वीडियो कॉल पर अगर आप किसी अपनों से बात कर रहे हैं तो फिर सावधान हो जाएं, वरना बिना कुछ किए भी हनी ट्रैप के जाल में बुरी तरह से फंस सकते हैं और आपसे मोटी रकम वसूली जा सकती है। ताजा मामला बलिया के बांसडी थाना क्षेत्र का है, जहां एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करता है। जैसे ही फोन काटता है, फोन पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो मिलता है। वीडियो को देख व्यक्ति हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। फिर पीड़ित से मैसेज और फोन के द्वारा वीडियो को डिलीट करने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है और वो फोन साइबर क्राइम दिल्ली के नाम से आता है। कहा जाता है आपके घर पुलिस और मीडिया पहुंच सकती है, आपकी अश्लील वीडियो वायरल हो रही है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। यह सुनते ही पीड़ित व्यक्ति घबरा जाता है और उसके द्वारा किसी तरह से 6,000 रुपए उनको ऑनलाइन भेज दिया जाता है। फिर एक और वीडियो को डिलीट करने के लिए पुनः पैसे की डिमांड की जाती है और 800 रुपए भेज दिया जाता है। फिर क्या था, पीड़ित ने वीडियो को ध्यान से देखा तो वीडियो पत्नी से बात करने के दौरान का था, लेकिन एडिट करके वीडियो को अश्लील बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। पीड़ित ने स्थानीय थाने पर शिकायती पत्र दिया। आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बलिया मुख्यालय साइबर सेल पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं की गई। थक हार कर पीड़ित ने मीडिया से गुहार लगाई है ताकि ऐसे झांसों में कोई और न फंसे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, क्या मामला हुआ है? आज डीएम कलेक्ट्रेट पर आया है, एसपी से भी आपने गुहार लगाई, क्या है मामला? ये मामला है कि 9 तारीख को शाम को करीब 4 बजे हमारे यहाँ एक फोन आया था। उसमें था कि मैं दिल्ली साइबर क्राइम से राम प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज हुआ है, तुम्हारा एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें तुम गलत प्रकार का वीडियो बनाए हो, इसको तुम वीडियो डिलीट कराओ, नहीं तो तुम्हारे घर पे 1 मिनट में पुलिस और मीडिया वाले पहुंच रहे हैं और तुम्हारे पूरे फैमिली को 1 हफ्ते के लिए पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। या इससे बचना चाहते हो जल्दी जल्दी वीडियो डिलीट कराओ। हमने कहा वीडियो डिलीट कहाँ से होगा, तो वो हमको एक नंबर दे, नंबर पर संपर्क करके इसका वीडियो डिलीट कराओ। जो नंबर दिया उस पर हमने फोन किया तो वह बताया कि आपके नंबर से तो FIR हो चुका है, अभी तक आपके घर पुलिस नहीं गई है। तो हमने बताया कि नहीं, हमको इस नंबर से फोन आया था, वो बताया आपका नंबर दिए हैं, तो वह बताया कैसा भी इसमें 77% डाउनलोड हुआ है, अगर इसको डिलीट कराना चाहते हो तो इसका पेमेंट लगेगा। उन्हें कितना पेमेंट लगेगा वो बता रहे हैं कि 5,999, जिसमें आपका जीमेल चार्ज काट के 5,000 रुपया वापस कर दिया जाएगा रिफंड के रूप में। तो हमने उनको रिफंड पैसा भेज दिया। वो बताया कि एक वीडियो तो डिलीट हो गया, एक वीडियो और अपलोड हो रहा है, तो हमने तो इसको डिलीट करने के लिए फिर आपको वही सेम करना पड़ेगा। तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा तो खत्म हो गया, सर कहीं से भी ले लीजिए, उनके पैसा है ही नहीं यहाँ पे। सर कितना पैसा है? हमने कहा कि हमारे खाते में 853 रुपया बचा है। बताया 53 रुपया नहीं चलेगा, 800 रुपया ही ट्रांसफर करो। हमने उनके 800 रुपया ट्रांसफर किए, हमने तो वे हमें एक वीडियो डिलीट का स्क्रीन शॉट भेज दिए। हमने वो स्क्रीन शॉट लेकर के उनके ऊपर भेज दिए, जो हमको फोन किए थे क्राइम ब्रांच से, उनके ऊपर भेजे और वो बताए कि आपका वीडियो डिलीट हो गया है और 24 घंटे में हम उस लड़की को अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर पैसे की डिमांड की गई? नहीं, उसके बाद पैसे की डिमांड नहीं की गई। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन लिख करके अपने थाने पे गए, तो थाने पे हमने वो एप्लीकेशन देकर वह बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चले जाइए बलिया साइबर क्राइम पे, वहाँ पे इसका रिपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमने साइबर क्राइम पे आए तो ये बताया कि बांडी थाने का मामला है, आप बांडी थाने पे जाइए। यानी आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है? हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया गया जी, हम इंटरमीडिएट किए हैं, उसके बाद डी फार्मा कर रहे हैं। तो आपको जब कॉल आया तो किस तरह का कॉल आया था, उसमें क्या था? जो नहीं, नॉर्मल कॉल आया, उसके बाद बताया कि हम दिल्ली साइबर क्राइम से राम प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ और पीछे से जैसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है वही क्या वो आवाज भी थी। तो उसके बाद हुए बताया कि एक बार वीडियो कॉलिंग करके देख लो कि मैं कौन हूँ। तो हमने वीडियो कॉलिंग नहीं किया, उन्होंने खुद वीडियो कॉलिंग किया जिसमें हम देखे कि पूरा पुलिस के वर्दी में एसपी की तरह हम देख रहे थे, वो बोले कि जल्दी वीडियो डिलीट करवाओ, तो हम उनके वर्दी और उनकी आवाज देकर डर गए। तो आपका जो एक वीडियो जो दिखाई दे रहा है जिसमें आप हैं और उसमें एक लड़की भी नजर आ रही है, क्या है जी? लेकिन वो लड़की को हम जानते भी नहीं है, हम अपने पत्नी से उसमें वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे। उनका तो आपका वीडियो उनके पास कैसे चला गया? तो वो फोन कटते ही पता नहीं कैसे हमारा फोन और हमारा फोटो और लड़की का फोटो एक में करके ये वीडियो वायरल हो गया जिसमें सीन कट रहा है चेहरा। तो उस वक्त आप अपनी पत्नी से बात कर रहे थे और चेहरा हमारा है और नीचे किसी और का है, और जब नीचे का दिखा रहा है उसमें बेड का चादर भी बदल जा रहा है। अच्छा ठीक, तो आप अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन को लिया जाए और जो भी जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।